जब 1 लाख से जो अधिक सुझाव आए हैं, बिल्कुल जी प्राय उन सभी सुझावों में एक सुझाव कॉमन है कि जी जी विशिष्ट शब्द हटा दिया जाए, अच्छा ये कॉमन सुझाव है। जी तो लगभग इस बात की सहमति बनी हुई है शिक्षा विभाग में कि विशिष्ट शब्द हटा दिए। एक बार फिर से मेरे नियोजित चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का लंबे समय से यह मांग चल रहा है राजकर्मी को लेकर, और बीच में नियमावली का जो प्रारूप आया था उसमें 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने अपना सुझाव दिया था जिसमें विशिष्ट शब्द हटाने की मांग की गई थी, वह मांग सरकार ने मान ली है, यानी शिक्षकों की मांग सरकार ने मान ली है। तो इसकी पूरी सत्यता हम दिखाएंगे। लक्ष्मीकांत सहगल जी की बात और समरीन लाइव सिटीज के माध्यम से ऑडियो चलाया गया है तो उसको भी हम सुनाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। आपको बता दें कि लंबे समय से बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक मांग कर रहे हैं राजकर्मी को लेकर कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। आपको 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में भी आप सभी ने सुना कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह ऐलान किया था कि शिक्षकों को सरकार से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन कभी भी उनके द्वारा राजकर्मी का चर्चा नहीं किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि बीच में जो नियमावली का प्रारूप आया था उसमें सभी शिक्षकों से उनका सुझाव मांगा गया था। सुझाव में एक कॉमन मांग था विशिष्ट शब्द हटाने को लेकर, तो यह सरकार मांग मानने जा रही है, विशिष्ट शब्द हटा दिया जाएगा। आइए आपको सुना देते हैं लक्ष्मीकांत सहगल तथा समरीन लाइव सिटीज के माध्यम से ऑडियो, यह लगातार वायरल हो रहा है तो इसको आप सभी सुन लीजिए कि विशिष्ट शब्द हटाने की चर्चा चल रही है और आगामी जो 22 नवंबर को जो यह कैबिनेट की बैठक है उसमें उम्मीद है कि नियमावली पर लग जाएगी फाइनली मोहर। तो आइए सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं लक्ष्मीकांत सहगल जी। लगभग इस बात की सहमति बनी हुई है शिक्षा विभाग में कि विशिष्ट शब्द हटा दिए जाए, लेकिन जब ये ड्राफ्ट अंतिम ड्राफ्ट पर मुहर लगे सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स की जी, तब ये कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट में तो जाना ही है, बहुत जल्दी जाना है। तो इसमें भी ऐसा संभव है कि कमिंग कैबिनेट में ये नियमावली प्रस्तावित नियमावली आ सकती है और कमिट कैबिनेट में नहीं आएगी ना तो अगली कैबिनेट में तो आना ही आना है। हाँ बिल्कुल, ये इसलिए हम लोग मान रहे हैं कि बीपीएस बिहार लोक सेवा आयोग से जो दूसरे चरण की शिक्षक अध्यापक नियुक्ति परीक्षा होनी है जी जी। उसके पहले ये नोटिफाई हो जाएगा, ये तय है। तो अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत सहगल तथा समरीन की बातें। आप सभी ने सुना कि स्पष्ट शब्दों में लक्ष्मीकांत सहगल जी कह रहे हैं कि विशिष्ट शब्द जो है नियोजित शिक्षकों के आगे से हटा दिया जाएगा और नया नियमावली बनकर तैयार हो चुका है, 22 नवंबर को इस पर फाइनली मोहर लग जाएगी। और आपको बता दें कि यह 100% तय है कि नियोजित शिक्षकों को एक एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा हर हाल में। हालांकि इसका अभी मॉड्यूल क्या होगा इस क्लियर नहीं हो पाया है, जो भी अभी चैनल पर चल रहे हैं या अनुमानतः चलाया जा रहा है वह कहीं से सत्यापित नहीं है। जैसे ही डेट इसका फाइनल होगा एग्ज़ाम का उसमें आपको मॉड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने आने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।